न्यूज इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। कांग्रेस लीडरों को जम्मू और कश्मीर असेंबली की तरफ से खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर करदा करारदाद को गलत तशरीह करने का कोई हक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी का बयान। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन से मुलाकात की गई और आमदनी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज की गई। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला के पास करारदाद की तशरीह करने का इख्तियार है या नहीं, पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी के ट्वीट पर उन्हें हरफ तनकीद बनाते हुए कहा। अब नाबालिग बच्चों को गाड़ी या बाइक देने पर वालिदैन या सरपरस्तों को होगी 3 साल की जेल की सजा और 25,000 रूपए का जुर्माना। जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एडवाइजरी जारी की गई। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की जानिब से कश्मीर भर में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद के इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया। जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में बैन अल-अक़वामी सरहद के करीब साइकिल पर घूमते हुए पाए जाने के बाद पुलिस की जानिब से एक इटली से आए सैयाह को पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। कश्मीर के बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई जबकि मैदानी इलाकों में कुछ मकामात पर हल्की बारिश भी हुई। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जयशाह ने पीसीबी के पीओजेके में चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौर के इनेकाद के फैसले पर सख्त मजम्मत की। अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकसभा के रकुन आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने कहा कि कांग्रेस लीडर चाहे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या फिर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीडर हो, उन्हें जम्मू और कश्मीर की असेंबली की तरफ से खसूसी हैसियत की बहाली के लिए मंजूर करदा करारदाद की गलत तशरीह करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये बयान दिया है। वाज़ेह है तो उनका ये बयान जुमारात को पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर्टिकल 370 की वापसी पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के रिमार्क्स पर रद्द अमल जाहिर करते हुए आया है। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमा को मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन से मुलाकात की और आमदनी पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए इक्तसादी और मालियाती पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया ताकि मरकज पर कम इन्हसार किया जा सके। उमर अब्दुल्ला की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मालियाती साल 2024-25 के यूनियन टेरिटरी के बजट में वसाइल के अहम फर्क को पूरा करने के लिए इजाफी 6,000 करोड़ रुपए की माली इमदादी फराहम करें। बता दें तो ये मीटिंग इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्यादत वाली हुकूमत मरकजी हुकूमत के 6 साल के खात्मे के बाद अपना पहला बजट पेश करने के इम्कान पर है। एक्सपर्ट पोस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीतारमन और उमर अब्दुल्ला की मीटिंग के बाद मुबारकबाद का बदला करते हुए एक तस्वीर शाया की। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने एक्सपर्ट पोस्ट में ये कहा कि जम्मू और कश्मीर की तरफ से मंजूर करदा करारदाद की गलत तशरीह करने का इख्तियार कांग्रेस के पास नहीं है। इस पर उन्हें हरफे तनकीद बनाते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीद परा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला के पास करारदाद की तशरीह करने का इख्तियार है क्या, और नायब वज़ीर आला ने एक हालिया इंटरव्यू में सहाफी से ये कहा है कि वो करारदाद को आर्टिकल 370 से न जोड़े। वहीद परा ने कहा कि रुहुल्ला मेहंदी वाजे करें कि क्या डिप्टी सीएम इस बात पर इसरार करके अवाम को गुमराह करने में मुलविस हैं। जम्मू और कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वालिदैन और सरपरस्तों को एक एडवाइजरी जारी करते हुए उन पर जोर दिया कि वो अपने नाबालिग या कम उम्र के बच्चों को 2 पहिया या 4 पहिया चलाने से रोकें। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक एडवाइजरी में नाबालिग को गाड़ी चलाने की इजाजत देने से मुंसलिक कानूनी और हिफाजती खतरात पर रोशनी डाली गई है। एडवाइजरी में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 199A की तरफ तवज्जो मरकूज की गई। बता दें तो दफा 199A के सब क्लॉज 2 के तहत इस जुराइम की सजाएं बेहद सख्त हैं और इसके तहत सरपरस्तों या वालिदैन को 3 साल की कैद की सजा, 25,000 रूपए जुर्माना और साथ ही साथ जुर्म में मुलविस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन 12 महीने के लिए मनसूख हो जाना शामिल है। मीरवाइज़े कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने जम्मू और कश्मीर में उभर रहे ट्रैफिक हादसात पर तशवीश का इजहार किया है।
उन्होंने जामा मस्जिद में अपने खुतबे में कहा कि हर रोज हम ट्रैफिक हादसात के बारे में सुनते हैं जो कीमती जानों को ले लेता है। अभी कल ही दो नौजवान लड़के अलमनाक तौर पर अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तीसरा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो नौजवानों को गाड़ी फराहम करने में एहतराम बरतें, खास तौर पर मोटरसाइकिल और गाड़ी, जिन्हें नौजवान अक्सर तेज रफ्तार से चलाते हैं और अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। आज मैं खसूसी एक दरखास्त अपील करें खसूसियत सान मालन माजन इम वालिदैन इम अल्लाह ताला से आसान गर गर मंगा ये थी ना कि परदिगारा इम बे औलाद तिमन सोज औलाद ना आसान गर गर मंगा ये औलाद अल्लाह ताला से बड़ नियामत मगर सुकी अमिस मलिस माज यह फर्ज कि अमिस औलादस तरबियत करें अमिस रुच सलाह दूँ अमिस रुत मशवर करूँ अमिस रुच परवरिश करें तो परवरिश में यह पहलू ती कि हर कह चीज आसान अमिस औलाद सुन मानू कि खास कर लोकुट नौजवान आ इलम तमिस मज जज्बात आसन इल सु बेकरार छु आसान जल्दबाजी मज छु आसान तु छु वुछान हर दो छे इस परान मीडियास मज सोशल मीडिया अखबारात कि क्या कि सैनिस रियासतस मज से छ खास कर यम जन एक्सीडेंट गसान छ यहुस बरमार हस छ तु छ हकीकत मरुन तो जोन छु दर्दस्त हजरती अल्लाह मगर एहतियात छु लजमी यह कूता अफसोस यह कूता अफसोस सानि खतर कि यकदम से पन्न बचन हिंद मुतालबात यकदम से माना वुछान छु तुम आसान बुस नेरान सड़क पे पकान दछिन दि तरफ त स्कूटरन मज स्कूटियन मज मोटरसाइकिलन पे आसान जवान फेरा नशा आसान हेलमेट नशा आसान कह तमो हिफाजती अमल कोर्मुत दशिन किन खोफुर किन हर तरफ तेज तरार से आसान यहाँ खुदा ने खास तु वो क्या एक्सीडेंट शे ग रात उस दिल खराश वाकया पेश आ टेंगपुरा बाईपास पे तुम बूजमुत कि ये मजन जवान राना शुरा वह सदा वह अर्दा वह दुशवे गई जाम हक आख विकन मौत हयात की जिंदगी कशमकश लड़ा अल्लाह तलास मंगो अल्लाह तला दीन शिफा ये कामिल क्या आश गुजरान तिमन घर वालन पे तिमन मालन माजन पे तिमन पर आसा वन कयामत गुजरा अथ आसन तुम मूरा वन मगर यह अफसोस कि आज वुछान कि खास कर जवान गाड़ी चलावा स्कूटर चलावा मोटरसाइकिल चलावा कुन चीज इमन लिहाजी आस रफ्तार तीज तेज कि अल्लाह ताला गि रहम कर अम पत मामला गित कन रात बो दुहे अखबार मज पा पा कि एक्सीडेंट हसा गई फलन जान हसा गई हाईवे पे खास कर अप डोडा बदरवा कश्तवा जन पहाड़ी इलाक अप एक 41 साल इटालियन सयाह को गुज़श्ता शाम में जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले में बैनुल अक़वामी सरहद के करीब साइकिल पर घूमते हुए पाए जाने के बाद पूछगिछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। हुकाम ने बताया कि गैर मुल्की शख्स जिसकी शनाख्त सियाका मोरको के नाम से हुई है, जो कि 10 अक्टूबर को पंजाब में वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान से हिन्दुस्तान पहुंचा था। अहदेदारों ने बताया कि मोरको ने हिन्दुस्तान में दाखिल होने से पहले पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दौरा भी किया था, ताहम पूछगिछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हुकाम की जानिब से इतला देते हुए बताया गया कि कश्मीर के बालाई इलाकों में कई इलाकों पर कुछ मकामात पर हल्की बारिश हुई है, जबकि कुछ मकामात पर बर्फबारी हुई है। हुकाम ने बताया कि राजदान टॉप, जो बांडीपुरा को फ्रंटियर ग्रेज सेक्टर से जोड़ता है, बर्फ की एक पतली
तय से उस पर वो ढक चुका था, जिसके नतीजे में गुजरगाह को ट्रैफिक के लिए आरजी तौर पर बंद कर दिया गया था। वहीं महकमा मौसमियात ने बताया है कि 17 से 23 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा और 24 नवंबर को ऊंचे मकामात पर हल्की बारिश या फिर हल्की बर्फबारी के इम्कान है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर यानी पीओजेके में चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौर के इनाकात के फैसले की सख्त मजम्मत की है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी पर जोर दिया कि मुनासिब कार्रवाई वो इस हवाले से करें। खबरों के मुताबिक जय शाह ने हिन्दुस्तान की सख्त नापसंदगी का इजहार किया है और आईसीसी से इस मामले को हल करने का मुतालबा भी किया है। वाजिर है तो पीसीबी के इस इकदाम से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।